ओहो, सारे का सारा पानी गिराया हुआ है, बस एक दो बूंदें ही बची हैं। हाँ भाई, क्यों गिराया सारा पानी? सारा पानी आपने गिरा दिया है इधर, ये पानी आपने गिरा दिया है, और इनका पानी पड़ा हुआ है। हाँ भाई, क्या हालात हैं आपके? कोई अंडे शंडे, कोई एक अंडा नाश्ता दिखाओ मुझे, ये जगह दिखाओ 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 दिखाओ। कोई अंडा नहीं भाई, इनकी जगह की यार सेटिंग करनी पड़ेगी। कोई अंडा वगैरह जो है ना, अभी तक फिलहाल तक तो इन्होंने नहीं दिया। फिर तो देखते हैं, उम्मीद है कि दे देंगे, लेकिन है मुश्किल फिलहाल। मेरे ख्याल में सर्दियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं ना, तो इसलिए ये अंडे वगैरह इनका देने का प्रोग्राम जो है ना, वो थोड़ा कम हो गया है। लेकिन उम्मीद है यार दे देंगे, दे दोगे ना, है ना? दे देना अंडे, तो उम्मीद है कि 1 महीने में या 15 दिन में कोई ना कोई इनका अंडा आ जाएगा। माशाल्लाह से आप कन्फर्म हो गए हैं, मेल फीमेल इस बात की तो टेंशन जो पहले थी वो ख़त्म हो गई है। और क्रॉसिंग वगैरह अभी मैंने देखी नहीं, लेकिन शायद कर रहे होंगे, तो इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद है, इंशाल्लाह दे देंगे अंडा, कोई ना कोई तो देंगे यार, ज़रूर देंगे। ठीक है भाई, पड़े रहो, बाहर निकलना है तो निकल आओ, नहीं तो यहीं रहो, तुम तो निकल आओ। अब भूख लग गया, आपको मैं खाना डालता हूँ, इसको खाना में डाल देता हूँ, भूख लगी हुई है हमारे तीतर को। आज का गुजारा हो जाएगा, क्योंकि बाजरे का थोड़ा सा बचा हुआ है, कल फिर दोबारा जो है ना मुझे लाना पड़ेगा। तो चलो खैर है, कोई मसला नहीं, बाकी परिंदों के हाल अहवाल जान लेते हैं। अभी तीतर हमारे जो है ना वो बाहर जो है ना वो भाग चुके हैं, वो देंगे सामने, वो सामने खड़े हुए हैं। अभी बाकी परिंदों के हाल अहवाल लेते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। उम्मीद है कि यार ये हमारा एक डक ये खड़ा हुआ है बाहर मुर्गी के इंतज़ार में, ये बैठी हुई है सामने, ये देखिए मुर्गी, ये मुर्गी के हालात हैं। हाँ भाई, क्या हाल है? ठीक खड़ी हो? अभी यार शाम का टाइम हो गया, मैंने इसका सुस्त खड़ा हुआ है, पता नहीं यार इसके चूजे सुस्त हो रहे हैं मेरी मुर्गी के, तो सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा है ना, तो ये वजह हो सकती है। अभी इसका दिल है बाहर छोड़ देता हूँ, ये देखें माशाल्लाह हमारी मुर्गी, और वो देख माशाल्लाह से यार हमारी बदन ने जो है ना, कल हमें अंडा दे दिया था, तो कल हमें जो है ना, कल बल्कि अंडा नहीं दिया था यार, सॉरी, तो आज हमें अंडा दे दिया है, तो बदन ने टोटल जो है ना इस जगह पर 6 अंडे दे दिए, तो अंडे काफ़ी जो है ना वो बड़े बड़े, देखते हैं यार अंडे ये कितने देती है, मुझे तो पता है नहीं, काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े अंडे हैं, तो पता नहीं इसके नीचे आते भी हैं या नहीं। तो जब ये जो है ना माशाल्लाह से पूरे अंडे अपने दे देगी, तो फिर इसको इसी जगह पर इंशाल्लाह से बैठाएंगे। फिलहाल जो है ना बाहर निकली हुई है सुबह से, इनको मैंने खुला छोड़ा हुआ है, तो अभी जो है ना ये फूल अय्याशियां कर रहे हैं। और ये देखें ये क्या है, ये यार इनका पानी पड़ा हुआ है हमारी प्यारी बतखों का, तो हर चीज़ का। मुर्गा यार थोड़ा सुस्त खड़ा हुआ है, वो क्यों सुस्त है पता नहीं, उसके लिए थोड़ा सा खाना लेकर आता हूँ, फिर पता चलेगा कि हमारा जो है ना मुर्गा क्यों सुस्त है। क्या हुआ है, क्यों सुस्त हो? थोड़े से खाना खाओगे? क्या चीज खानी है? हैं? नहीं, माशाल्लाह से खाना वगैरह जो है ना फुल खाया हुआ है, इसलिए थोड़ा इसका पेट जो है ना, अब मुझे ऐसे लग रहा था कि सुस्त है, लेकिन नहीं, खाना वगैरह फुल खाया हुआ है और सही खड़ा। सर्दी है ना, तो बहुत सारे परिंदे ऐसे है, बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मुर्गी माशाल्लाह जल्द हमें जो है ना ये भी अंडे देने वाली है, और इंशाल्लाह इसके मैं अंडे आपको दिखाने वाला हूँ, जब देगी तो दिखाऊंगा ना यार, फिलहाल नहीं, अभी तक तो मैं जो है ना अब बस इंतजार ही कर रहा हूँ खुद, जब खुद इंतजार कर रहा हूँ तो आपको भी इंतजार करना ही पड़ेगा। हाँ यार, मेरे चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, और वीडियो को लाइक भी मार दिया करें। इनके जो है ना थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है, किन को भाई? इनको, ये है थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, ये मैं देख भी लूँगा कि सुस्ते हैं या चुस्ते हैं या क्या पोजीशन है। ये देखें बिल्कुल ठीक है यार, शुक्र है। और ये देखें इनका दुश्मन, ये इनका दुश्मन जो है ना हर रास्ता नज़दीक आते आते जो है ना ये इसको फिर है ना वो मारना शुरू कर देगा, मारते मारते जो है ना ये फिर मुर्गे को अपने टांगों की क्या वजह हो सकती है, क्या वजह है? तो देखा मैंने, कहा कि शायद मुर्गा मर गया है, लेकिन नहीं, मुर्गा उस वक्त जिंदा था, लेकिन मुर्गे की हालत ऐसी थी कि उसकी जो है ना टांगे ऊपर की तरफ थी, और उसका सर जो है ना उसने अपने परों के नीचे दिया हुआ था। तो अभी जो है ना फिलहाल ये फिर जो है ना वही पोजीशन उसी जो है ना हालत में उसको करने वाला है, और इसके साथ आ गया है। आना है बाहर, आना है, आ जाओ, चलो आ जाओ, कोई नहीं यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम लोग भी आ जाओ,
आ जाओ, मैं ये सारा खोल दे। माशाल्लाह इनके बच्चे वगैरह अभी क्या हालात हैं? बच्चे वगैरह आपके ठीक हैं ना? हाँ यार, इंशाल्लाह आपके बच्चे ठीक होंगे, क्योंकि आप सारा दिन जो है ना अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, और माशाल्लाह से दोस्तों इनके बच्चों के आने की वजह से ना इनकी खुराक भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मतलब ज़्यादा हो गई है, मतलब बहुत ज़्यादा अब खाने लगे हैं हमारे कबूतर। तो इनकी खुराक का भी मैंने बंदोबस्त करना है मज़ीद। तो बच्चे जब निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो बच्चों को भी फीड करवाते हैं, और माशाल्लाह से इनके बच्चे जो है ना काफ़ी ज़्यादा हेल्दी पड़े हुए हैं। और एक बच्चा जो है ना मेरी तरफ से ऐसे देख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये बच्चा पड़ा हुआ है, ये देखें जगह आपको मैं नहीं दिखाता यार, आप कहेंगे कि पता नहीं कैसी कैसी जगह जो है ना अदनान हमें दिखाता है, आपको जगह मैं नहीं दिखा रहा, ये बच्चे ही आप देख लें। माशाल्लाह ये रहा बच्चा, कितना प्यारा हो गया यार, ये भी माशाल्लाह लाल लाल कबूतर का है तो यकीनन लाल ही बनेगा। तो बाकी मैं यार देख लेता हूँ, मुझे जो है ना एक दो बच्चे वो पड़े हुए हैं, तो एक मैं नई बात आपको और मैं मज़ीद बताने वाला हूँ, और वो तो गैस करें आप, वो जगह आपने देख ली है, ये देखें यार माशाल्लाह। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी पता है क्या है, कि मेरे का बाप है और ये हमारी जो है ना ये सब्ज और सियाह की स्प्लिट है, तो इनके बच्चा यार इतना ज़्यादा प्यारा आ गया, मुझे कभी भी इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। ये जो ऊपर जो चढ़ने की कोशिश कर रही ना दीवार पर, तो इसका बच्चा बहुत ज़्यादा प्यारा आ गया यार, बिल्कुल बाप पर गया है, क्योंकि वो सब्ज और सियाह की स्प्लिट थी, तो जब उसके साथ सब्ज जो है ना वो मेल मिला है ना, तो सब्ज मेल मिलने के बाद उसके बच्चे का रंग जो है ना बहुत ज़्यादा और बहुत क्यूट कलर में आया यार, कलर बिल्कुल इसका बाप पर गया है। और ये सिल्वर मतलब सिल्वर सब्ज इसने बच्चा निकाला है, तो यार सिल्वर सब्ज जो बच्चे होते हैं ना बहुत कम ही कबूतर निकालते हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी है यार मुझे इसका बच्चा देख करना। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये जो है ना ये प्यार आपको ये प्यार, वैसे इसकी जो फीमेल ना बिल्कुल मतलब बेकार सी लग रही होगी, लेकिन यार बच्चा इसने इसके साथ कैसा कितना प्यारा दिया है, ये देखें माशाल्लाह। और इसकी कलियाँ भी वाइट हैं, ये देखें इसकी जो साइड वाली कलियाँ हैं ना वो वाइट हैं, लेकिन इस बच्चे की आप देखते हैं कि कलियां इसने क्या लगाई हैं, देखें यार इसने कलियां एक कली भी इसने जो है ना वाइड नहीं मारी, ये देखें माशाल्लाह ये पोपियाँ भी मार रहा है, इसके पोपी भी लगी हुई है इसके ऊपर, तो ये क्या करें, ये थोड़ी सी मैं रेड डाल देता हूँ इसके ऊपर, ये देखें पोपी मारी हुई है ना इसने, तो ये सूख जाएगी। तो बाकी हमारा बच्चा यार एक ये पड़ा हुआ है, और इस बच्चे की यार क्या दास्तान सुनाऊं, ये बच्चा असल में ये वाला बच्चा जो है ना ये लाल कबूतर का बच्चा था, तो लाल कबूतर जो है ना वो इस बच्चे को पाल नहीं रहे थे, तो मैंने कहा कि ये बच्चा जो है ना जो सब्ज जो निकाला हुआ है सब्ज कबूतर ने, तो मैं उसके साथ जो है ना इसको मैं लगा देता हूँ, इसके साथ छोड़ देता हूँ। तो ऐसा हुआ कि इन हमारे इन कबूतरों ने बहुत प्यारे कबूतर रहे माशाल्लाह, तो इन्होंने इस कबूतर ने जो है ना इस बच्चे को भी पालना शुरू कर दिया, तो इससे मुझे खुशी हुई माशाल्लाह, ये बच्चा भी अच्छे से पाल रहा है, और माशाल्लाह हमारे तीन बच्चे ये हैं, और एक बच्चा और बच्चा दिखाऊं आपको, और बच्चा ये है, और माशाल्लाह ये एक बच्चा हमारा सियाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर जो है ना मेहमानों की आमद है, मतलब हमारे कबूतरों के घर में, तो ये देखें माशाल्लाह से ये चार बच्चे माशाल्लाह, ये दो लाल के एक सब्स का आ गया और एक सियाह का आ गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने कहना नहीं भूलना यार, हाँ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें यार, कुछ भी नहीं जाता चैनल सब्सक्राइब करने से। तो ये देखें माशाल्लाह हमारे क्यूट क्यूट से बच्चे, इस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब लाजमी करें, और वीडियो को लाइक भी करें, ताकि जो है ना मैं मज़ीद इस तरह से अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं, और अपने कमेंट में अपनी राय का इजहार भी दें कि मुझे किस तरह से जो है ना और कैसे बर्ड रखने चाहिए, और किस तरह से मुझे बर्ड की केयर करनी चाहिए, अगर मैं अच्छी से केयर नहीं कर रहा तो इस हवाले से मुझे जो है ना आप अपनी राय दे सकते हैं। इसके पार माशाल्लाह निकल रहे हैं, इसके निकल रहे हैं माशाल्लाह, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा खूबसूरत बच्चा दिया है, अब जब बड़ा हो जाएगा बनेगा तो फिर क्या ही बात है यार। तो मुझे फिक्र थी कि इसकी जो है ना मुझे फीमेल नहीं मिल रही, अपनी मर्जी से इन्होंने जोड़ा बनाया, और जोड़े के बदले में इसका रिजल्ट मुझे ऐसा मिला, तो कभी कभी कुदरत हमें जो है ना वो सरप्राइज दे देती है, तो ये हमारे लिए सरप्राइज है। इन बच्चों को भाई अपनी जगह हम रख देते हैं, बाकी शाम होने वाली है, बिल्कुल ऐसा ना हो कि बाहर बिल्ली आए और आकर ले जाए और काम जो है ना वो सारा ख़राब कर दे। तो इस बच्चे को अपनी माँ के पास ये बैठी हुई है, ये उठी भी नहीं है, बल्कि माँ नहीं ये सॉरी इसका बाप है,
बस ये थी हमारी आज की वीडियो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, बाय बाय।